बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। साल 2024 आधा गुजर चुका है, सिवाय एक दो के बाकी सभी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही हैं। छोटे बड़े सभी स्टार्स की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर पिटती जा रही हैं और प्रोड्यूसर्स को लगातार करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले चंद सालों में जिस प्रोड्यूसर ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है उनमें वासु भगनानी का नाम सबसे ऊपर आता है। नौबत यहां तक आ गई है कि वासु भगनानी ने अपना 7 मंजिला ऑफिस एक बिल्डर्स को बेच दिया है। अब जूहू तारा रोड पर वासु भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट खत्म होने जा रही है और वहां पर बिल्डर इस 7 मंजिला इमारत को तोड़कर एक आलीशान रेजिडेंटल कम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। इसकी जानकारी और साइनिंग डील का लेटर पूजा एंटरटेनमेंट ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। वासु भगनानी ने इससे पहले अपना 70% स्टाफ भी निकाल दिया था। खबरों की माने ऐसा उन्होंने 250 करोड़ का कर्ज उतारने के लिए किया है। दूसरी तरफ उनके स्टाफ का कहना है कि उन्हें पिछले एक साल की सैलरी भी पूरी तरह से नहीं दी गई है। यहाँ हम आपको बता दें कि वासु भगनानी बॉलीवुड के बहुत बड़े और नामी प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की हैं जिनमें कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बीवी नंबर 1, प्यार किया तो डरना क्या जैसी फिल्में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक घाटे का यह सिलसिला अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम के वक्त से शुरू हुआ था जो 19 अगस्त 2021 को रिलीज़ हुई थी। कोविड के बाद रिलीज होने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म भी थी। वासु भगनानी की अगली फिल्म कठपुतली भी बुरी तरह फ्लॉप रही। इस फिल्म के हीरो भी अक्षय कुमार ही थे। फिर आई टाइगर श्रॉफ की गणपत, ये भी बहुत बड़ी फ्लॉप रही। इसके बाद आई मिशन रानीगंज जो कि फ्लॉप रही। लगातार 4 फिल्में फ्लॉप होने से वासु काफ़ी नुकसान में चले गए और फिर वासु ने कर्ज उठाकर एक और बहुत बड़े बजट की फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, वासु भगनानी ने अंदाज़ा लगाया और बड़ी सोच विचार करने के बाद पिछली जनरेशन के बड़े हीरो अक्षय कुमार और यंग जनरेशन के हीरो टाइगर श्रॉफ को लेकर एक और एक्शन इंटरटेनर बनाने की ठान ली और टाइटल लिया अपनी पुरानी सुपरहिट फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। यूँ फिल्म बना डाली बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये फिल्म 350 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाई गई थी। फिल्म का खूब प्रमोशन भी किया लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 60 करोड़ के करीब ही बिजनेस किया। फिल्म के म्यूजिक राइट्स, ओटीटी राइट्स और टीवी राइट्स बेचकर भी वासु भगनानी को 150 करोड़ के करीब नुकसान उठाना पड़ा। इस लगातार लॉस से पूजा एंटरटेनमेंट की कमर टूट गई, यानी वासु भगनानी के बैनर पूजा एंटरटेनमेंट की कमर टूट गई। वासु का कहना है कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट बंद नहीं हो रही है बल्कि उन्होंने जुहू में ही दूसरी जगह अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया है और एक और फिल्म पर भी फिर से काम करने वाले हैं जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने कुछ अरसा पहले ही कर दी थी। इस फिल्म का नाम अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूस रखा गया है जिसमें लीड रोल में शाहिद कपूर दिखाई देंगे। अश्वत्थामा एक साइकोलॉजिक थ्रिलर है जिसमें बहुत महंगे VFX इस्तेमाल होने वाले हैं और इसका ऐलान वासु भगनानी ने अनाउंसमेंट के वक्त ही कर दिया था। लेकिन यहां पर वासु फिर से एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं और वो ये कि इस फिल्म का बजट भी उन्होंने 350 करोड़ के करीब रखा है लेकिन इस समय इस फिल्म का बनना नामुमकिन लग रहा है। वासु और उनके बेटे जैगी भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के CEO हैं। पूजा वासु भगनानी की पत्नी का नाम है और इसी नाम से वासु के सारे बिजनेस हैं। इस कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी। इस बैनर में उन्होंने 40 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। इसके अलावा वासु एक जाने माने बिल्डर भी हैं। इस कंपनी का नाम भी पूजा कंट्रैक्शन है। वासु का बुरा समय 2021 से बेल बॉटम से शुरू हुआ जिसके बाद गणपत, फिर कठपुतली और फिर मिशन रानीगंज और आखिर में आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार या फिर टाइगर श्रॉफ दिखाई दिए। अगर यूँ कहा जाए कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ वासु भगनानी को ले डूबे तो ये गलत ना होगा। ये नुकसान सिर्फ वासु भगनानी का ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का समझा जाएगा और अब वक्त आ गया है कि प्रोड्यूसर को समझना चाहिए कि वो इन एक्टर्स को मुँह मांगी फीस ना दें। इसके अलावा उनके हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, कुक, ड्राइवर और जिम ट्रेनर की फीस भी देते हैं जब तक कि वो फिल्म ख़त्म ना हो जाए। प्रोड्यूसर ही एक्टर का सारा खर्चा अदा करता है। अब प्रोड्यूसर्स को महसूस करना होगा कि ये बड़े स्टार्स जो इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं, अगर फिल्म नहीं चलती तो उनकी फीस में से कट लगाया जाए क्योंकि स्टार्स तो कमाने आए हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है प्रोड्यूसर को कितना नुकसान हो चुका है।
ये हम सिर्फ अक्षय कुमार की या टाइगर श्रॉफ की बात नहीं कर रहे बल्कि बाकी के स्टार्स भी इसमें शामिल हैं। जबकि इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड 2020। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं।